हे गाइस, दिस इज़ नेहा एंड वेलकमिंग बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में जानने वाले हैं। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होने वाला है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ईजी लैंग्वेज में कहे तो ट्रांसमिशन मीडिया इन्फॉर्मेशन को सेंडर से रिसीवर तक पहुँचाने का एक मीडियम होता है। अब ये मीडियम वायरलेस या वायर बेस्ड, जैसे कि केबल के द्वारा फिजिकल कनेक्टिविटी, इनमें से कुछ भी हो सकता है। नेटवर्क में कंप्यूटर, स्विच, हब और राउटर के साथ ट्रांसमिशन मीडिया भी एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन का मीडियम होता है। ट्रांसमिशन मीडिया ही वह मीडियम है जिसकी हेल्प से एक कंप्यूटर या एक डिवाइस दूसरे डिवाइस तक मूव करता है इंफॉर्मेशन को। कंप्यूटर नेटवर्क में डिफरेंट टाइप की केबल यूज़ की जाती है। दोस्तों, वैसे तो ट्रांसमिशन मीडिया के कई सारे टाइप होते हैं, मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूँ उसके टाइप्स। तो इसमें फर्स्ट टाइप होता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल कॉपर वायर से बनी होती है। कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेशन की एक परत होती है और उसके ऊपर तांबे की कॉपर मेश। इसकी डेटा को ट्रांसफ़र करने की दूरी 185 मीटर तक होती है। कोएक्सियल केबल की इंस्टॉलेशन करना बहुत इजी होता है, लेकिन ये काफ़ी लचीली और कमज़ोर होती है, जिससे इसका टूटने का ज़्यादा डर बना रहता है। कोएक्सियल केबल का यूज़ मेनली बस टोपोलॉजी में किया जाता है। अब इस टोपोलॉजी के साथ कोएक्सियल केबल का भी यूज़ न के बराबर ही होता है। देन इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, ये इसमें डाटा ट्रांसमिशन काफ़ी सिक्योर होता है और क्रॉसटॉक भी प्रोटेक्टेड होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और बहुत ओल्ड टेक्नोलॉजी है ये। लिमिटेड बैंडविड्थ एज कम्पेयर टू फाइबर ऑप्टिक केबल। वेट बहुत ज़्यादा हैवी होता है इसका एज कम्पेयर टू फाइबर ऑप्टिक केबल। देन जो सेकेंड टाइप होता है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल एक ऐसी वायर होती है जिसमें दो वायर आपस में एक दूसरे से ट्विस्टेड होती है। इस केबल में प्लास्टिक के अंदर फोर पेयर्स होते हैं और एक पेयर में टू वायर लिपटी होती है और सभी का अलग अलग कलर कोड होता है। यह लैंड नेटवर्क में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली केबल है। ट्विस्टेड पेयर केबल दो तरह की होती है। फर्स्ट है यूटीपी, मतलब यूनिशियल ट्विस्टेड पेयर, और सेकेंड होती है एसटीपी, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। यूटीपी एक अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, मतलब इससे कोई अलग से शील्डिंग या कवर नहीं होता है, जैसे कि आप यूटीपी केबल में देख ही सकते हैं। यह केबल आमतौर पर 100 मीटर तक 1 GBPS से 10 GBPS डाटा को ट्रांसफ़र कर सकती है। देन जो सेकेंड टाइप होता है वो है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। यह शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। इस केबल में एक शील्ड होती है और इसमें डाटा सिक्योर होता है और डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड भी काफ़ी बढ़ जाती है। अब ट्विस्टेड पेयर के कुछ एडवांटेज जान लेते हैं। दूसरे केबल की कंपैरिजन में ये केबल बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है और इसकी इंस्टॉलेशन करना भी बहुत ही सिंपल होती है। इसके द्वारा किसी भी डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करना बहुत ही ईजी होता है। दोस्तों, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो डिसएडवांटेज जान लेते हैं ट्विस्टेड पेयर के। इस केबल के कनेक्शन बढ़ाने का डाटा स्पीड कम हो जाती है। इस केबल में डाटा को 100 से 150 मीटर से ज़्यादा दूरी तक ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। देन जो थर्ड टाइप होता है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल। यह केबल प्योर सिलिका ग्लास से बनी होती है। इसको 1970 में डेवलप किया गया था। फाइबर ऑप्टिक केबल ने इंटरनेट की दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। आज सारे देश इंटरनेट के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसमें फाइबर ऑप्टिक केबल की एक बहुत ही बड़ी भूमिका है। फाइबर ऑप्टिक केबल एक एडवांस ट्रांसमिशन मीडिया है जिसका यूज़ डाटा को हाई स्पीड तक तथा लंबी दूरी में ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल अब तक नेटवर्किंग की दुनिया में डाटा को सबसे हाई स्पीड में ट्रांसफ़र करने वाली केबल है, इसलिए इसका यूज़ सबमरीन कम्युनिकेशन में ज़्यादा किया जाता है। मतलब एक देश के नेटवर्क को दूसरे देश के नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ किया जाता है। इस केबल के डाटा लाइट सिग्नल की फॉर्म में ट्रैवल करता है और डाटा डेस्टिनेशन पहुंचते ही लाइट सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है। अब फाइबर ऑप्टिक केबल के भी कुछ एडवांटेज जान लेते हैं। केबल टू कैरी मच मोर इन्फॉर्मेशन एज कम्पेयर टू कॉपर केबल। सपोर्ट मच हायर डाटा रेट, कवर लार्ज डिस्टेंस, सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन। देन इसके कुछ डिसएडवांटेज है। फाइबर ऑप्टिक वायर आर वेरी डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होंगी तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।
एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करें, ताकि जब भी मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।